ये कहानी सुंदर वन जंगल की है। रोनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तब से वो अपने बच्चों का गुजारा अकेले ही कर रही थी। मम्मा, हमारे पापा कहाँ है? सबके पापा है, आप हमें पापा के बारे में क्यों नहीं बताती? जब भी पूछो बस बात को टाल देती हो। ये कैसी बातें करते हो? चलो जल्दी से ये दाना खा लो, फिर हम लोसी आंटी के घर चलते हैं। आप अपने दोस्त बुलबुले के साथ खूब खेलना। नहीं मम्मा, आज हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, हम जान कर ही रहेंगे। हमारे पापा कहाँ हैं, आप बताते क्यों नहीं हो? जाओ, नहीं बताती, जो करना है कर लो, मगर याद रखना तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, मम्मा आज के बाद हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो और हमें छोड़कर कभी ना जाना। नहीं मेरे बच्चों, में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चुप हो जाओ। अब मैं दाना लेने जाती हूँ, आप घर पर ही रहना। ऐसे टोनी चिड़िया घर से निकल जाती है। वो बहुत दुखी थी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं? उनके पापा ने उन्हें छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया और पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। चिड़िया ऐसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। कैसी हो टोनी? सब बढ़िया। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, सब ठीक ठाक तो है? गोरी, दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते हैं। अब आप ही बताइए मैं कैसे बताऊं? अगर टुन्नु जी कहीं दूर रहते तो मैं बता देती, मगर वो तो पड़ोस के ही जंगल में रहते हैं। क्या कहा, अभी तक बच्चों को मालूम नहीं उनका पिता टुन्नु है, वो तो कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। इसीलिए तो नहीं बताती कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़कर टुन्नु के पास ना चली जाए। टोनी, अगर बच्चे अपने पिता के पास चले भी गए तो क्या टुन्नु उन्हें अपने साथ रखेगा? गोरी, वो मुझे ना पसंद करते थे, बच्चों से तो उन्हें बहुत प्यार था, शायद इसीलिए पास ही रहते हैं, मगर मैं अपने बच्चों के बिना कभी नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे टोनी चिड़िया दाना लेने आगे की तरफ निकल जाती है। गौरी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, पता भी है तुम्हें, चिड़िया के बच्चे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके पापा टुन्नू हैं। गोरी, ये सारी बातें हमारे किस काम की, आप भोजन का बताएं। आज मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही लौटी हूँ। और मुझे भी कुछ नहीं मिला, तो फिर हम क्या खाएंगे? कालू, इसलिए तो चिड़िया की बातें कर रही हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को टुन्नू के बारे में कुछ नहीं बताती, मगर हम इस बात का फायदा उठाएंगे तो चिड़िया से फ्री में भोजन खा सकते हैं। समझ गया, हम टुन्नू के बारे में बच्चों को बताएंगे और चिड़िया हमें ऐसे करने से रोकेगी, हम तभी दाना मांगेंगे। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आपके पापा कौन हैं? नहीं कालू अंकल, हमें कुछ नहीं पता, आप क्या हमें बताएंगे? हाँ हाँ, मैं ही बताऊंगा तुम्हारे पापा कौन है, वो कहा है। कालू कौवा ऐसे बोल रहा था, तभी चिड़िया का ध्यान कालू की बातों पर जाता है। वो तुरंत ही बच्चों के पास आती है। कालू भैया, आपको क्या काम है, बताओ मेरे घर आना कैसे हुआ? मैं तो बस बच्चों से बातें कर रहा था, काम तो मुझे तुमसे ही है। कुकु गुड़िया, अंदर जाओ, कालू भैया बोलो क्या काम है। टोनी, मैं बच्चों को बता दूंगा, उनका पिता टुनू है जो पीछे के जंगल में रहता है। कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा बच्चों से छुपाती आई हूँ, मुझे डर है कहीं वो अपने पिता के पास ना चले जाए। फिर नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे दाना देना होगा। कालू भैया, सबको पता है इन दिनों दाने का अकाल रहता है, मैं मुश्किल से अपना दाना ला पाती हूँ, आपको कहाँ से दूंगी? ठीक है, तो मैं किसी दिन बच्चों को सब बता दूंगा, उनका पिता कौन है, वो कहाँ रहता है। ठीक है कालू, मैं अब से तुम्हें अपना दाना दे दिया करूंगी, पर कृपया कर बच्चों को कुछ ना बताना।
ऐसे टोनी चिड़िया अपना दाना कालू कवे को दे देती है। दाना लेकर खुशी खुशी कालू अपने घर आता है। अब से टोनी चिड़िया हर रोज कौवा के लिए दाना लाती। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मगर दो परिवारों का दाना खोजना कितना मुश्किल है। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वो जी जान लगाकर दाना खोजती और आधा दाना कौवा को दे देती। मगर कुछ दिनों से उसे दाना थोड़ा ही मिल रहा था। वो गोरी कवि से मिन्नतें करती है। गोरी रहम करे, दाना बहुत थोड़ा मिला है। अगर तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया, हमें तो अपने हिस्से का दाना चाहिए, वरना बच्चों को कहने में देर नहीं लगेंगी कि उनका पिता पीछे के जंगल में रहने वाला टुन्नू ही है। गोरी, ऐसा अत्याचार मत करो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अपने पापा के बारे में सुनते ही उनके पास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी, बच्चे ही तो मेरा सहारा है। मम्मा चिड़िया ऐसे कहते कहते रो रही थी। दोनों बच्चे पेड़ के पीछे छुपे सारी बातें सुन रहे थे। मम्मा अब रोइना, हमने सब सुन लिया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, और अब मेहनत से लाया हुआ दाना गौरी आंटी को देने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सब जान गए। हाँ कुकू भैया, मम्मा हमसे कितना प्यार करती है, हमें खोने के डर से इन बुरे कौवों को दाना खिलाती रही और पापा हमें छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं, शायद वो ही हमसे प्यार नहीं करते होंगे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। गोरी आंटी अब आप जाइए यहाँ से, अब आपको फ्री में कभी भी दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम जान गए हैं हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती हैं और आप इस बात का गलत फायदा उठाती रहीं। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। हाँ मेरे बच्चों, में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की थी तब आप बहुत छोटे थे। आपके पापा की दूसरी पत्नी ने मुझे घर से भी निकाल दिया था। मम्मा फिर हमारे पास ये घर कहाँ से आया? गुड़िया बेटा, मैंने कड़कती ठंड में आपको छुपाने के लिए ये घर मिट्टी से बनाया था और मिलो दूर जा जाकर कपास को इकट्ठा किया ताकि मेरे नन्हे बच्चों को सर्दी न सताए। हाँ मम्मा, तभी तो मैं कहूँ हमारा घर मिट्टी का क्यों है, अब समझ आया आपने इसे मिट्टी से बनाया था। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर आती है। आज वह बहुत खुश थी। फिर जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है, मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर नदी पे गिरे हुए सोने के हार पर जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है, इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया? ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय ये यहां पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी कि ये किसका सोने का हार है, फिर उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरी पत्नी के पास इतना कीमती हार नहीं है, वैसे भी वो दो दिनों से अपने मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ, शायद ये हार उनकी पत्नी का हो। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है, क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है, इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा। टुनटुनी चिड़िया तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोती जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है।
टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है, वे कहाँ है? क्या बताऊँ टुनटुनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में पड़ा हुआ मिला है, क्या यह सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी वजह से वह मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये हार लौटा दूं, उसके बाद में और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो, उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी के पास मिला है, क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है, इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है, इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कोवी के पास जाती हूँ, बस वही रह गई है, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ, क्या ये सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी कौवी के पास चली जाती है। रानी कौवी और भूरा कौआ, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, सुबह तो कब की हो गई है, चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और भूरा कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है, ये सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी, तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में मिला है, ये हार सच में तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है, ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है, ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा, जरूर तुम झूठ बोल रही हो। भूरा जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है, मैं जल्दी से इसे रख लेती हूँ।
दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस लाकर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिकों, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुकुम महाराज, हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार रात को एक कौवा ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक तोते के घोंसले में आते हैं और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिकों को वहां पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिकों को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता, इसीलिए वे भूरा कौवा और रानी कौवी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही भूरा कौवा और रानी कौवी के घोंसले में आते हैं, तो वे रानी कौवी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू रानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक भूरा कौवा और रानी कौवी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और उल्लू महाराज भूरा कौवा और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है ना। तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते।